मंगलवार को कुमारसेन क्षेत्र में भी हरितालिका तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरितालिका तीज पर्व भाद्रपद मास की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निराहार उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। हरितालिका त्यौहार की तैयारियां कुछ दिन पहले जन्माष्टमी पर्व से शुरू हो जाती है। कुछ घरों में जन्माष्टमी के दिन महिलाएं लाल मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश के अलावा मिट्टी के खिलौने जैसे चिड़िया, मोर, हाथी और पक्षी इत्यादि के खिलौने बनाए जाते हैं, जिन्हें रंगों से सजाकर हरितालिका तीज के दिन शिव परिवार के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। जबकि कई जगह व्रत से एक दिन पहले ही मिट्टी से शिव परिवार बनाने की परंपरा है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर शिव पार्वती की उपासना करती है। यही नहीं, हरितालिका पर्व के लिए द्वादशी तिथि को एक गमले में 5 अनाज रोपे जाते हैं, जिसे हरियाली कहते हैं। व्रत के लिए महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगाती है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं दिन भर निर्जल और निराहार उपवास रखकर घर में मंडप बनाकर मिट्टी से बनाए शिव परिवार व अन्य खिलौनों और अंकुरित शाक को विधिवत प्रतिष्ठित कर पूजा अर्चना की जाती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुमार सेन से अमित सूद की रिपोर्ट। मंगलवार को कुमार सेन क्षेत्र में भी हरितालिका तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरितालिका तीज पर्व भाद्रपद मास की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निराहार उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। हरितालिका त्यौहार की तैयारियां कुछ दिन पहले जन्माष्टमी पर्व से शुरू हो जाती है। कुछ घरों में जन्माष्टमी के दिन महिलाएं लाल मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश के अलावा मिट्टी के खिलौने जैसे चिड़िया, मोर, हाथी और पक्षी इत्यादि के खिलौने बनाए जाते हैं, जिन्हें रंगों से सजाकर हरितालिका तीज के दिन शिव परिवार के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। जबकि कई जगह व्रत से एक दिन पहले ही मिट्टी से शिव परिवार बनाने की परंपरा है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर शिव पार्वती की उपासना करती है। यही नहीं, हरितालिका पर्व के लिए द्वादशी तिथि को एक गमले में 5 अनाज रोपे जाते हैं, जिसे हरियाली कहते हैं। व्रत के लिए महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगाती है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं दिन भर निर्जल और निराहार उपवास रखकर घर में मंडप बनाकर मिट्टी से बनाए शिव परिवार व अन्य खिलौनों और अंकुरित शाक को विधिवत प्रतिष्ठित कर पूजा अर्चना की जाती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुमार सेन से अमित सूद की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।